दोस्तों ये है TVS Apache RTR 162V। आई नो कि आपको भी पता होगा कि ये गाड़ी आके काफी टाइम हो गया है, बट आज का एक स्पेशल एपिसोड है जिधर हम देखेंगे कि 2023 में इज दिस बाइक वर्थ और नॉट। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज 2023 में काफी सारे नए बाइक्स आए हैं, नए अपडेटेड बाइक्स आए हैं बजाज की तरफ से, यामा की तरफ से। तो हम देखेंगे हाउ डज दिस बाइक स्टैक अप अगेंस्ट दोस बाइक्स। तो दोस्तों ये वीडियो में हर एक एस्पेक्ट इसका देखेंगे, कंफर्ट कैसा है, इंजन कैसा है, ब्रेकिंग कैसा है, सस्पेंशन कैसा है। आखिर में हम देखेंगे कि आपको ये बाइक लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए या फिर कंसिडर करनी चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहला इंप्रेशन का, विच इज द डिजाइन। तो अपाचे जो पहले आई थी बहुत साल पहले, वही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स पर ये बना हुआ है, बट कुछ कुछ नए चीजें, नए मॉडर्न टचेस इसमें ऐड हुए हैं। तो दोस्तों फ्रंट सेक्शन अगर आप देखेंगे तो अभी एक नया हेडलैम्प असेंबली देखेगा यहाँ पर, विच इज LED, एंड इसका जो थ्रो है काफी अच्छा है। एंड गाड़ी चालू होने के बाद भी यहाँ पर आपको DRS दिखेंगे एंड बहुत सही दिखते हैं रात को। सो इंडिकेटर्स जो है दैट इज हैलोजन टाइप, सस्पेंशन जो है वो टेलीस्कोपिक टाइप है, कोई अपसाइड डाउन फोक नहीं है यहाँ पर। नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, एंड उसके साथ साथ जो टायर्स है वो 90 सेक्शन के है। जो डिस्क ब्रेक्स है वो पेटल टाइप है, एंड दोस्तों जो पेटल टाइप डिस्क ब्रेक्स है वो काफी अच्छे काम करते हैं। अगर आप ये गाड़ी काफी यूज करेंगे, 50-60 किलोमीटर चलाएंगे, सो इजिली यू विल गेट यूज टू इट। बाकी जो है वो ब्रेक्स थोड़े बहुत स्पॉन्जी लगते हैं, बट ब्रेक का बाइट काफी स्ट्रॉन्ग है। एंड ये बाइक में आपको डुअल डिस्क ब्रेक्स आते हैं, फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक आता है, पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक आता है। बट ABS का बात किए तो सिर्फ फ्रंट में ABS आता है, ये बाइक में डुअल चैनल ABS नहीं है। सो बेसिकली जो फ्रंट एंड है काफी स्पोर्टी लगती है, एंड वही सेम चीज है फ्रॉम द साइड एज वेल, साइड से भी काफी स्पोर्टी लगती है। यहाँ पर आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक आता है, मेटल टैंक है ये, एंड इसके साथ साथ साइड फेयरिंग भी आते हैं, एंड साइड फेयरिंग के ऊपर आपको TVS का एक 3D लोगो भी आता है, एंड नीचे की तरफ आपको एक छोटा सा एक विंगलेट टाइप आता है, एंड उसमें कार्बन फाइबर फिनिश आता है। यस, तो ओवरऑल जो लुक है मैंने जैसे कहा था काफी स्पोर्टी है। सो इसका जो ओवरऑल डिजाइन है टेल लैंप का वही सेम डिजाइन है, बट अंदर से अभी आपको LED मॉड्यूल्स आते हैं, सो LED टेल लैंप्स आते हैं इसमें। पीछे भी इंडिकेटर जो है वो हैलोजन टाइप है। इसका जो एग्जॉस्ट है दोस्त, इसमें आपको कोई अंडरबेली एग्जॉस्ट नहीं आता है, प्रॉपर बड़ा साइज का मफलर आता है, एंड उसके ऊपर एक स्टील का कवर भी आता है जिसके ऊपर RTR लिखा है। तो ये RTR का काफी ब्रांडिंग है ये बाइक पर, अगर आप देखेंगे तो एग्जॉस्ट के ऊपर भी RTR लिखा है, यहाँ पर भी RTR 160 लिखा है, फ्रंट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के नीचे भी RTR लिखा है। सो यस, तो ये RTR ब्रांड जो है TVS के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं सीटिंग कंफर्ट के बारे में, राइडर्स ट्रायंगल कैसा है। सीट जो है वो मीडियम डेंसिटी का है, जो राइडर्स सीट है उसमें आपको टेक्सचर्ड सीट आता है, एंड जो पीछे पिलियन का जो सीट है उसमें टेक्सचर्ड नहीं आता है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे जो हैंडल बार है वो थोड़ा फ्रंट सेट है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो पोस्चर है थोड़ा सा फॉरवर्ड सेट रहता है। जो फुट पैग्स है वो काफी ऊपर की तरफ प्लेस्ड है, एंड अगर राइडर्स ट्रायंगल देखेंगे तो थोड़ा सा एग्रेसिव है। मुझे एक बात मेंशन करना है, जो गियर शिफ्टर है और जो साइड स्टैंड का जो एक्सटेंडेड पार्ट है वो क्या होता है कि काफी इंटरफियर करता है शिफ्टिंग के टाइम पे। तो मैं काफी इरिटेट हो रहा था, क्या हो रहा था कि मेरे पैर पे हमेशा लगते जा रहा था, एंड मुझे थोड़ा इरिटेशन हो रहा था उसकी वजह से। तो दोस्तों दिस वॉज द राइडर्स ट्रायंगल ऑफ दिस बाइक, एंड अभी बात करते हैं कंफर्ट के बारे में। आपको सामने की तरफ टेलीस्कोपिक शॉक्स आते हैं, एंड पीछे आपको डुअल गैस चार्ज शॉक्स आते हैं। बाकी अगर आप राइवल्स के बारे में बात करेंगे तो पल्सर P150 में आपको मोनोशॉक आता है। तो ये जो सस्पेंशन है कोई कोई टाइम पे थोड़ा सा जंपी लगता है, एंड सिटी में अगर आप चलाएंगे तो थोड़ा फर्म टाइप लगता है। यस, तो अगेन यू विल हैव टू गेट यूज टू द सस्पेंशन। तो अगर आप ओवरऑल मुझे पूछे तो आई वुड से दैट इसका जो कंफर्ट लेवल है इट इज क्वाइट न्यूट्रल। अभी बात करते हैं इंजन के बारे में, इंजन स्पेक्स क्या है, क्या पावर है इंजन का। तो इसमें आता है आपको 160cc का इंजन, एंड ये बनाता है अराउंड 16.04 PS का पावर, पीक पावर, एंड इसका जो टॉर्क है इट इज 13.8 Nm ऑफ टॉर्क। तो ओवरऑल ड्राइवेबिलिटी के बारे में अगर पूछे तो ये काफी कंफर्टेबल है। सिटी में अगर आप गाड़ी चलाते हो तो जो इनिशियल पिकअप है काफी स्ट्रॉन्ग है, तो लो एंड टॉर्क जो है काफी अच्छा है, सिटी में बहुत अच्छा काम करती है ये। अगर आप हाईवे पे जाते हो तो बाइक थोड़ी सी वीक लगती है, बिकॉज़ जो इसका टॉप एंड पावर है वो काफी फिजल आउट हो जाता है जल्दी से। अगर आप 6000 RPM के ऊपर जाते हो तो टॉर्क इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, एंड अगर इसका क्रूजिंग स्पीड का बात किए तो अराउंड 80 का स्पीड ये क्रूज करती है अराउंड 6000 RPM पर, एंड 6000 RPM पर काफी सारे वाइब्रेशन आते हैं, हैंडल बार पर, सीट पर, टैंक पर बहुत हैवी वाइब्रेशंस है, तो इट बिकम्स वेरी अनकंफर्टेबल। तो सिटी में अप्रॉक्सिमेटली 40-60 का जो स्पीड है उसमें वाइब्रेशंस काफी नेग्लिजिबल है, इट इज क्वाइट फन इन द सिटी आई मस्ट से। बात करते हैं ये इंजन कूलिंग के बारे में, ये एयर कूल्ड इंजन है, तो समर्स में ये थोड़ा सा हीट होता है, एक KTM लेवल का हीट नहीं होता है बट थोड़ा सा आपको पैर में थोड़ा फील होता है। इंजन के साथ साथ जो ड्राइवेबिलिटी के बारे में मैं बात कर रहा था, ग्रिप लेवल्स ठीक ठाक है, फ्रंट में आपको 90 सेक्शन का टायर आता है, पीछे आपको 120 सेक्शन का टायर आता है, दोनों भी ट्यूबलेस है, इट इज बाय TVS टायर्स, दोनों भी फ्रंट एंड
रियर। ग्रिप लेवल्स में आपको बोलूंगा इट इज नॉट अप टू द मार्क, ठीक ठाक ग्रिप लेवल्स है, इतना कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग नहीं है, तो इसके लिए सिटी में इसका काफी अच्छा है। घाट सेक्शंस पे अगर आप थोड़ा एग्रेसिवली चलाओगे, थोड़ा एंथुजियास्टिकली चलाओगे, तो गाड़ी स्लिप होने के चांसेस है। तो दोस्तों बात करते हैं फीचर्स के बारे में, बट उसमें जाने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हम एक नए लोकेशन पर है, विंड है, विंड नॉइज भी होगा, एंड अगर विंड नॉइज है तो वी वुड अपोलोजाइज फॉर दैट। ठीक है, विंड नॉइज है, बट लोकेशन आपको कैसा लगा डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। सो कमिंग बैक टू द फीचर्स, इसमें आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है एंड उसमें भी काफी सारे फीचर्स आते हैं एंड काफी कॉम्प्रिहेंसिव भी है इसका इन्फॉर्मेशन। अगर इस बाइक को आप ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करते हो तो इसमें आपको मिस्ड कॉल अलर्ट्स, SMS अलर्ट्स एंड टर्न बाय टर्न नेविगेशन का सिस्टम भी आता है। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे हैंडल बार पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बटन आता है, तो यहाँ पर आपको मोड का बटन आता है। बट अगर आप पूछे कि 160cc के बाइक में मोड्स की जरूरत है या नहीं है, मैं कहूंगा कि इट इज नॉट नेसेसरी, बट वी आर नॉट कंप्लेनिंग, है तो अच्छा है। तो इसमें तीन मोड्स आते हैं, वन इज रेन, वन इज अर्बन एंड वन इज स्पोर्ट। मोस्टली हम स्पोर्ट पर चला रहे थे, रेन में पावर काफी ड्रॉप हो जाता है, अर्बन में ठीक ठाक पावर है, स्पोर्ट में सबसे ज्यादा मैक्सिमम पावर आता है, जो 16.04 PS का पावर है वो फुल मैक्सिमम आउटपुट मिलता है। एंड उसके साथ साथ राइट में आपको और कोई बटन नहीं आता है, इंजन किल स्विच आता है एंड इंजन स्टार्ट स्टॉप आता है। लेफ्ट साइड में आपको जो जनरल स्विचेस है, हेडलाइट, इंडिकेटर्स एंड हॉर्न, बाकी उसके फंक्शंस आते हैं। तो दोस्तों अभी बात करते हैं काफी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी लोग पूछते हैं ये बाइक कितना देती है। इसका जो क्लेम माइलेज है इट इज 47 किलोमीटर पर लीटर, बट रियल वर्ल्ड में आपको 40-45% मिल जाएगा। एंड कमिंग टू द प्राइस, ये जो बाइक है इसमें तीन वर्जन आते हैं। एक जो वर्जन है इट इज द बेस मॉडल, उसमें सामने डिस्क ब्रेक, पीछे ड्रम ब्रेक आता है। दूसरा जो मॉडल है उसमें दोनों साइड डिस्क ब्रेक आता है बट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं आता है। दिस इज द टॉप मॉडल, इसमें आपको दोनों तरफ डिस्क ब्रेक्स आते हैं, इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आता है। तो इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है इट इज 1,25,000 रुपीज। सो इन दी एंड मैं कहना चाहूंगा कि यू कैन स्ट्रॉन्गली कंसिडर दिस बाइक। इसके साथ साथ देर आर अदर बाइक्स ऑल्सो आप देख सकते हैं, बट दिस इज अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। और अगर आप थोड़ा बजट स्ट्रेच कर सकते हो तो आप बजाज NS160 भी देख सकते हो, यामा MT-15 भी देख सकते हो, वो दोनों बाइक्स इसके एक लेवल ऊपर है। बट अगर आप बजट पर हो देन दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। उसी के साथ साथ दोस्तों इट इज टाइम टू एंड दिस वीडियो। आपको आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, अंटिल देन कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव सेफ।